नमस्कार दोस्तों, अब हम विसर्ग संधि का जो उत्व संधि यह एक प्रकार है उसे समझने वाले हैं। तो उत्व संधि के जो दो नियम है उसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उत्व संधि कैसे करना है, कैसे उसके नियम है, किस तरह के उसके उदाहरण होते हैं, उनको हम डिटेल में समझने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उत्व संधि का पहला नियम, उत्व संधि के आज हम दो नियम समझने वाले हैं। आपको एग्जाम के लिए भी उत्व संधि के दो ही नियम है। तो चलिए पहला नियम, जैसे यहां मैं लिखता हूं, बहुत ही आसान है, अह प्लस अ, बहुत ही सिंपल है। अह प्लस अ, हम यहाँ जो पाणिनि मतलब जो ग्रामर के जो नियम है उन हिसाब से नहीं जाने वाले हैं। आपको आसानी कैसे हो उस हिसाब से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है यहाँ, क्योंकि व्याकरण के जो नियम है, जो मूल व्याकरण, जो पाणिनि व्याकरण है, उनके नियम अलग है, उनकी प्रक्रिया अलग है, मगर वो समझने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपको आसान भाषा में और आसान पद्धति से समझा रहा हूँ। तो अह प्लस अ, तो देखिए सिंपल नियम, उत्व संधि का एक नियम है अह प्लस अ, तो अह प्लस अ को बन जाता है ओ, और इसे देंगे अवग्रह। ठीक है, तो अह प्लस अ, और यदि अह के सामने यदि अ है तो समझ लेना है अह और अ को क्या बन जाएगा, ओ और इस तरह का अवग्रह। ये जो यस तरह का चिन्ह है, ठीक है, इसे कहते हैं अवग्रह। तो जो व्याकरण के नियम है उसमें बहुत अलग अलग तरह के, फिर ये विसर्ग को उ बन जाता है, फिर उस उ का ओ बन जाता है, फिर अवग्रह आता है ऐसे धीरे धीरे धीरे। हमने यहाँ आपको आसान भाषा में और आसान नियम के आधार पर समझा दिया है। अह के बाद यदि अ है तो उन दोनों की मतलब उन दोनों की जगह पर ओ बन जाता है, इस तरह का अवग्रह आ जाता है, इसे अवग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी उसका उदाहरण यहाँ देखिए, कह प्लस अपि, कह प्लस अपि। तो यहाँ देखिए अह, कह में क्या है अह और सामने क्या है अ, तो यहां सिर्फ आपको ध्यान में रखना है अह के बाद अ ही चाहिए, बाकी कोई नहीं। तो तभी क्या बनेगा, अभी देखिए, क प्लस अह प्लस अ प्लस पी। हमने इसे अलग किया है समझने के लिए, आपको एग्जाम में इसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे आंसर लिखना है। तो अह प्लस अ, तो क्या बन गया ओ, मतलब अह और अ ये दोनों हट गए और उनके जगह पर ओ और इस तरह का चिन्ह, ठीक है, इसे अवग्रह कहेंगे। ठीक है, तो ये बन गया। तो अभी क्या बचा हुआ है, क प्लस ओ प्लस पी। अभी देखिए, तो यहां अह और अ ये दोनों हट गए और उन दोनों के जगह पर ओ और ये अवग्रह आ गया है। अभी बाद में इसे जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, क प्लस ओ, तो इस तरह से को और ये इस तरह का अवग्रह, ये चिन्ह, ठीक है, और ये पी, इस तरह से उसे लिखेंगे। उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कोपी, थोड़ा सा खिंच रहा है, कोपी, ठीक है, इस तरह से। अभी दूसरा उदाहरण देखिए, राम प्लस अत्र, अभी यहां देखिए राम प्लस अत्र, आपको ध्यान में रखना है अह के बाद अ ही चाहिए, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो अह प्लस अ, अह प्लस अ ओ बन गया और उसके जगह पर आ गया अवग्रह, मतलब ओ प्लस अवग्रह, ओ भी आएगा और अवग्रह भी आएगा। तो कैसे करेंगे, रामो और फिर अवग्रह प्लस त्र, रामोत्र, क्योंकि अ हट गया, अह और अ हट गया और उन दोनों की जगह पर ओ और ए अवग्रह आ गया, रामोत्र, इस तरह से उसका उच्चारण होता है। कोपी मतलब कोई भी, कह मतलब कौन, अपी मतलब भी, कोई भी, रामोत्र मतलब राम यहा, ठीक है, सह प्लस अगच्छत, वह गया, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है, लंग लकार है, अह के बाद अ है, ठीक है, अह के बाद अ है, तो क्या बनेगा, अह प्लस अ ओ और इस तरह का अवग्रह। तो सो गच्छत, सो गच्छत, अभी देखिए सो गच्छत, अ हट गया है, ध्यान में रखना है, जब आप इस तरह का अवग्रह दोगे तो इसे अ हटाना है और ये हो गया विसर्ग को ओ बन गया, ओके, सो गच्छत, इस तरह से। उसके बाद देखिए एषः प्लस अपि, देखिए अह प्लस अ, अह प्लस अ ओ और अवग्रह चिन्ह, तो अह प्लस अ ओ और अवग्रह चिन्ह, एषो और फिर पी, तो बन गया हमारा उदाहरण। बस आपको इसी तरह से करना है। तो उत्व संधि का पहला नियम हुआ, अभी हम दूसरा नियम समझ लेते हैं। तो अब हम दूसरा नियम समझ लेते हैं, नियम बहुत ही आसान है। क्या है, अह के बाद, ध्यान देना है, अह के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम। अभी ये तृतीय चतुर्थ पंचम क्या है, अभी देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, ये है पंचवर्ग,
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग या वर्णमाला की वीडियो में आप देख लीजिए। लर्न संस्कृत फ्रॉम बिगिनिंग इस जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, वर्णमाला के लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं। अभी हम सिर्फ इतना बताएंगे, तृतीय वर्ण कौन से, ग ज ड द ब तृतीय वर्ण है, ग ज ड द ब तृतीय वर्ण है, घ झ ढ ध ब ये चतुर्थ वर्ण है, ङ य न न म ये पंचम वर्ण है, ठीक है। तो आपको पता चल गए तृतीय वर्ण कौन से, ग ज ड द ब, तृतीय मतलब तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, चतुर्थ घ ज ड द ब और पंचम ङ य न न म, ठीक है। तो अ के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम मतलब सिंपल, अ के बाद इनमें से कोई भी हो, ठीक है, अ के बाद इनमें से कोई भी एक हो तो, और ह य व र ल, ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक हो तो अह को बन जाएगा ओ, अह को ओ बन जाएगा, बस ओ यहां बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, अह को हटाना है और अह को ओ बनाना है, सिंपल। जैसे उदाहरण देखिए, यहां राम प्लस गच्छति, राम प्लस गच्छति, यहां देखिए अह, अह है, देखिए राम, राम प्लस अह और उसके बाद गच्छति है, ठीक है, गच्छति, ठीक है, राम गच्छति मतलब राम जाता है। तो देखिए अह, अह के बाद तृतीय चतुर्थ, अभी देखिए ग है तो ग कहाँ आता है, ग मतलब तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण में ग आ रहा है, इसलिए अह को क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, पूरे अह को हम ओ कर रहे हैं, ठीक है, ठीके? तो राम म हलंत है, उसके बाद ओ प्लस गच्छति, ठीक है, तो कैसे करेंगे, रामो, रामो गच्छति, इसे अलग ही रखेंगे, यदि क्रियापद है सामने तो अलग ही रहता है, ज्यादातर ये जो संधि अलग ही रहती, बस जब समास होता है तब हम जोड़ते हैं, बाकी दूसरी किसी जगह पर हम नहीं जोड़ते, अलग ही रखेंगे, रामो गच्छति, सामने यदि क्रियापद है समझ लेना है, अलग ही रखना है। अभी यहाँ देखिए हमने दो उदाहरण दिए है, गोपाल प्लस हसती, देखिए विसर्ग है मतलब अह, ये ध्यान में रखना है, अह चाहिए, ठीक है, तो अह के बाद ह, तो देखिए ह आ रहा है, तो इसलिए इस अह को बन जाएगा ओ, तो कैसे बनेगा, गोपालो, गोपालो हसति, इस तरह से गोपालो हसति, और अलग अलग ही रखेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, गजह प्लस धावती, देखिए अह, अह के बाद क्या है, ध है, तो यहां देखिए ध कहां आ रहा है, ठीक है, चतुर्थ मतलब चतुर्थ है, चतुर्थ वर्ण सामने है, यहां ध आ रहा है, इसलिए इस अह को बन जाएगा ओ, इनमें से कोई भी हो तो हमें ओ ही बनाना है, गजो, गजो धावती, ठीक है, गजो धावती, इस तरह से बन जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है अह को ओ कब बनेगा, जब इनमें से कोई हो, आप क्या कीजिए, गजड़ दब, घजड़ दब, न य न न म, आप ऐसे याद करके रखिए तो आपको पता चल जाएगा तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, बाकी ये आसान है। तो इस तरह से हमने उत्व संधि समझ लिए हैं। धन्यवाद।